I especially came to this forum despite a difficult time in my country facing challenges. I would not have come but because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. लोगों को क्यों इमरान खान की बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं, और लोग क्यों सब लोग तो खैर नहीं लेकिन कुछ लोग उससे क्यों नाराज़ हैं या क्यों उसकी एक्शंस को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह मैं बयान करना चाहता हूँ। इट्स अ बिट टेक्निकल लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत आसान करके आप लोगों को बताऊँ। देखिए, इमरान खान की जो पर्सनैलिटी टाइप है वो है ENFJ। ENFJ जो हैं दे आर वेरी ऑर्गेनाइज प्लान एंड गोल फोकस एंड विजनरी पीपल ना, ये बहुत दूर की सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक लोग होते हैं और एक गोल सेट करके प्लान बना के उस पर चल रहे होते हैं। तो ही इज़ वेरी फोकस्ड। आप पूरी इसकी हिस्ट्री देखें, ये गोल सेट करता है और जब तक उसको अचीव नहीं कर ले ही इज़ रेस्टलेस। हमेशा शुरू से बचपन से बड़ी चीज देखता था, इमेजिन करता था अपने आप को, यानी बड़े बड़े काम करने में बड़ी सोच रखता था और फिर स्ट्राइव करता था उसकी तरफ। यानी जब एक दफा मैं फैसला कर लूं कि मैंने ये करना है फिर मैं उसके ऊपर फिर पूरी कोशिश करता था वहां पहुंचने के लिए। अच्छा, अब हमें उसके एक्शंस क्यों नहीं नजर आ रहे? देखें, वजह उसकी ये है कि उसको भी शायद अपनी पर्सनैलिटी टाइप नहीं पता है। तो हर इंसान में कुछ शेडो या कुछ ब्लाइंड एरियाज होते हैं, कि इमरान खान के जो ब्लाइंड एरियाज हैं उसके अंदर है अटेंशन टू डिटेल्स, जिसको हम टाइप लैंग्वेज में सेंसिंग कहते हैं। ही सेंसिंग उसका बहुत डोमिनेंट एरिया नहीं है, लेकिन वो अपने विजन और कनेक्शन विद पीपल को समझ के, लोगों के एहसासात को समझ के, लोगों के मसलों को आज, लोगों के आने वाले मसलों को आज समझ के वो उनकी तरफ, उनके हल की तरफ जा रहा है विद ऑल पॉसिबल इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ये एक बहुत बड़ी एक हमारी तारीख है, एक हेरिटेज है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। उनको पता तो चले कि हम क्या थे। जब आपको ये पता चलेगा हम क्या थे तो आप सोचते हैं हम किधर जाना है। इसको टी सीखना चाहिए इमरान को। ही नीड टू बी मोर एनालिटिकल, ही नीड टू बी मोर उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट हर चीज़ को नहीं किया जा सकता है। तो एक ये है, सेकंड अटेंशन टू डिटेल। देखें, महंगाई, जैसे महंगाई ख़त्म करना है, देखें सिर्फ पॉलिसी बनाना एक काम है लेकिन एक एक बंदा जो महंगी बेच रहा है चीज़ें ना, उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अटेंशन टू डिटेल, इसको ऐसे लोग रखने चाहिए जो उसको ऐसे, इमरान खान को ऐसे मशवरा देने वाले लोगों की ज़रूरत है, ऐसे एडवाइज़र्स की ज़रूरत है अपने टीम में जो इसको अच्छे तज़िए और अच्छी एनालिसिस करके उसको सिचुएशन बताएं और जो भी वो स्ट्रेटजी बनाता है उसको मास लेवल पे अफेक्टिव एग्जीक्यूट करके दिखाएं या अफेक्टिव एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजी उसको बताएं। और दूसरा ये कि ही नीड टू हैव वेरी 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 आई मीन एनालिटिकल पीपल विथ हिम। लेकिन आई थिंक उसमें फिर भी उसका गुजारा अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो अटेंशन टू डिटेल है, अफेक्टिव एग्जीक्यूशन है, इसमें ही नीड द मोस्ट ऑफ द सपोर्ट। असल में आपकी जो परवाज होती है ना, वो ये नहीं डिपेंड करता कि आप जीत को कैसे हैंडल करें, आप हार को कैसे हैंडल करते हैं, ये डिटरमिन करता है आप कितना ऊपर जाएंगे।